पाकिस्तान को सराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान की तहजीब दिखा देंगे। घुसपैठी अब और न करना, वरना कश्मीर तो क्या लाहौर में भी तिरंगा फहरा देंगे। इस डायलॉग के साथ भोजपुरी फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान से के नायक प्रदीप पांडे चिंटू ने फिल्म को लेकर अपनी बात रखना शुरू किया। दरअसल प्रदीप पांडे की मोस्ट अवेटेड फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान से की रिलीज को उस वक्त रोक दिया गया जब फिल्म अगले दिन सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी। इसकी वजह बताते हुए चिंटू ने कहा कि फिल्म को तकनीकी कारणों की वजह से रिलीज नहीं किया जा सका। चिंटू के मुताबिक अभी भी फिल्म में ग्राफिक्स का काम बाकी है। चिंटू बताते हैं कि अब लगभग फिल्म का काम पूरा हो चुका है और यह फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वैसे रिलीज से सिर्फ एक दिन पहले इस वक्त तरह की बात कहे जाने पर चिंटू ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें रिलीज से दो तीन दिन पहले ही इस बात का पता चल गया था कि फिल्म का तकनीकी काम पूरा नहीं हो पाया है और इसी वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। वैसे यहां आपको यह भी बताते चले कि ईद के मौके पर भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म गदर भी रिलीज होने वाली थी और लोगों ने यहां तक कहा था कि दुल्हन चाही पाकिस्तान से की रिलीज इसीलिए रोक दी गई क्योंकि फिल्म को घाटा उठाना पड़ सकता था। मगर इस बात को भी चिंटू ने सिरे से नकारते हुए कहा कि जिस तरह की यह बातें चल रही है वो महज अफवाहों के सिवा कुछ नहीं है। बहरहाल ईद से एक दिन पहले जिस तरह से अभिनेता प्रदीप पांडे की फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान से की रिलीज डेट टाल दी गई, उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि अब यह फिल्म कब तक सिनेमाघरों का मुंह देख पाती है। न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।